तो करो अपनी गाड़ी कर रही है। अरे गाड़ियां तो चलाओ अपनी। मेरी क्या सुन, तो और बात जो रही है हेलो दसी महीनों को पीपी करी हूं चल। मैं और मैं इसमें जीत के दिखाऊं पीपी अब देखो भी नहीं बैठूंगा लाइक कर दी बाद में मतलब हाँ गलती से हो जाता है कभी थोड़ा जूम करना कॉमेडी म्यूजिक रोमांस ड्रामा ये सब आपको देखने को मिलेगा एक फिल्म में। जब चार टैलेंटेड कलाकार एक साथ आते हैं तो आपको क्या मिलता है एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और जब चार कलाकार हो एमी सर जैसे जैस्मिन मैम जैसे बीनू सर जैसे माही मैम जैसे तब आपको एंटरटेनमेंट का जो तड़का मिलता है ना ऐसा तड़का कहीं नहीं मिलता। क्या बात है, जो बात है, वेरी गुड। तो वो फिल्म लेके आ रहे हैं गड्डी जान दी ये छलांगे मार दी चलांगा मार दी। तो सर कितने एक्साइटेड है आप, आपकी फिल्म आने वाली है अब क्या बोलना चाहेंगे आप ऑडियंस को? सही गल है तुसी बहुत एनर्जी वाले हो बहुत आ गया जाओ दे बस मैं थैंक यू। मैं तो ये सोच रहा था अगर पांचवा छठवा भी कुछ होता तो क्या बोलते हैं सर। एंटरटेनमेंट हो गया रोमांस हो गया म्यूजिक हो गया ड्रामा हो गया कॉमेडी हो गया आप लोग हो गए चार कलाकार हो गए आपके जो कास्ट है कास्ट चार यार बिल्कुल तो आज फिल्मी मीट तो फिल्मी मीट के प्लेटफॉर्म पे चार यार जब बैठे हो और रैपिड फायर हम कैसे ना खेले बिकॉज एट फिल्मी मीट वी डोंट मिस अ सिंगल बीट नो बोरिंग क्वेश्चंस क्वेश्चंस का आंसर दे देके आप लोग थक गए होंगे थोड़े चटपटे जवाब देते हैं तो माही मैम से शुरू करेंगे और ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। तो माही मैम आपको बहुत जल्दी जवाब देना रैपिड फायर का इंस्टाग्राम पे किसी को आपने स्टॉक किया है कि नहीं ये सबके लिए जवाब होगा माही मैम से शुरू होगा किसी को स्टॉक किया आपने इंस्टाग्राम पे कभी हाँ जी किसी को तो किया होगा हाँ हाँ। क्या आप नाम लेना चाहेंगी? नहीं इद्दां दी तो कोई गल नहीं मैं तापसी पन्नू नु देखदी रहनी ऑफ कोर्स बहुत बहुत ज्यादा देखदी हां उन्हां नु नहीं उम्दा है सर आप मसालेदार जवाब देने आपको मैं तो फैशन वाले पास से सोचा वन फैशनिस्टा से नहीं आया द फैशनिस्टा इज इट ते मैं मुंडे दे नाल लेदे स्टॉक कर रहे हो ओदी ओदी किसी को मतलब स्टॉक ना किया हो प्यार से किसी को देखा हो प्यार से चोरी चोरी हां करते हो चोरी चोरी किदी प्रोफाइल पे इंस्टा ते जदों मेनू मैसेज आवा जिवें हुण अजकल जदों प्रमोशन चल रही ने तां कुछ लोकां ने नवे-नवे पोर्टल्स बनाए ने पोर्टल्स उत्ते जाके साडी ओ जिथे-जिथे असीं इवेंट कीते उहदे उत्ते रील पई हुंदी है तां फिर मेनू ऐ लगदा किसी आम बंदे ने तां बादी फरमा उत्ते जाके पहलां उहदा प्रोफाइल उपरला पढ़ लेना वी इह क्रिएटर हैगा जां वीडियो डायरेक्टर हैगा जां साडी टीम दे नाल जुड़िया होया हैगा जां वैसे ते नहीं कोई हुंदा मैं किसी नूं उदां कर लां फिर उहनूं मैं जिहड़ा हुंदा उहनूं बाकी एक्सेप्ट कर लैना एंड देन मैं उहनूं ओह कर लां। हां सर लपेट रहा हूं ठीक है बिल्कुल सीरियसली यू कैन गॉट मेरे इत्थे पे है चेक इट आउट ठीक है बिल्कुल बिल्कुल जैसमिन मैम आप या गलती से हो जाता है कभी थोड़ा जूम करना एमी सर आप किसको स्टॉक किया था बता दीजिए आप स्टॉकिंग की बात के लिए सेट पे चलते हैं सेट पे सबसे पहले कौन आता था सबसे लास्ट कौन आता था आप बताओ भाई मैम सेट पे पहले और लास्ट पे कौन आता था? लास्ट ते एमी जी होंदे सी ते सब तो पहला तो साड़ी जड़ी टीम हुंदी है मैं एक दिन उस टीम से भी पहले पहुंची हूं मैं दूजे तीजे नंबर ते आ जांदी सी। सर आप किसका नाम लेना चाहेंगे आप सबसे पहले और सबसे आखिर सबसे क्या करते थे सर सब तो पहला सारे डायरेक्टर आप किसका नाम लेना चाहेंगे खुद का मैं सबसे पहले हमेशा टाइम पे और सबसे लास्ट बट
मतलब ये फाइनल सीजन है सबसे लास्ट बीच आ गया यार हमारे आगे आगे बढ़ते रहे हैं हर रोज जितने भी इंटरव्यूज है बस स्वीप कांग साहब डायरेक्टर के डायरेक्टर का नाम लेना उनकी उनकी वजह से ये फिल्म है उन्होंने बहुत अच्छा एग्जीक्यूट किया इस फिल्म को स्वीप कांग साहब उन्हीं की ये फिल्म थी कैरी ऑन जट्टा 3 सो थैंक यू भाजी लव यू एंड गॉड ब्लेस यू जिंदाबाद सर आप नाम ले ही लीजिए सबसे पहले और सबसे आखिर लेकिन तब भी सबका दिल जीत के चले जाते हैं यही तो बात है सेट की बातें हो रही हैं हम आते थे सर 12 12:30 एक बजे एक बजे हम पहुंचे हैं तो आज मुझे सर कितना टाइम लगेगा आधा घंटा और 1:30 बजे आएंगे चलो लंच ब्रेक कर देते हैं तो उसके बाद लंच ब्रेक हो जाते तो 2:30 बजे शुरू करते और 9-10 बजे तक फिनिश करके घर आ गए आराम से सोए उठे जिमल गए जो मर्जी मन किया गए वापस सर 50 दिन में फिल्म हो गई है कहानी का तो इतने प्रोड्यूसर का टारगेट था एक भी दिन हमने बढ़ने दिया एक भी दिन कम नहीं होने दिया 50 दिन आराम आराम से मूवी हुई और डायरेक्टर हमारे इतने शांत थे तो उनको सुबह कॉल करके पूछता था 10-11 बजे उठ के सर कितने बजे भाजी चलो ऑफिस से आपका शुरू कर लेंगे ना कि थैंक यू सर गुड नाइट फिर हम 2 घंटे पे सो जाते थे फिर हम 12:30 1 बजे उठ के फिर जाते थे 9-10 हम शाला कोई चक्कर ज़्यादा होता नहीं आराम से बढ़िया बढ़िया यही होना चाहिए यही करना चाहिए तो सेट पे सबसे ज़्यादा मस्तीखोर कौन था ये दोनों मतलब आप दोनों बहुत आप कुछ नहीं करते थे मतलब ये मस्ती हमारे साथ करते थे ऐसा कोई प्रैंक जो बताना चाहोगे मतलब फर्स्ट डे हो सेकंड डे ऑफ शूट हो आप कुछ प्रैंक आप दोनों के ऊपर किया होना प्रैंक हां इन्होंने नहीं किया सही वो साडी को बहुत ज्यादा कोई ऐसा कह रही थी तो चलो हम मड़ी भूल गए सी सानू ऐ नहीं गा सी मैं कोई गल नहीं करते कि कुड़ के खाना है कहने नॉर्मल मैं भी बिन भाई ऐ कोई आ गया यार बोले अपना फन करिए अरे गल तो फन है साडे अरे गल च फन है अरे मस्ती है एक अपने इंडी दा प्रैंक कीता इस मूवी दा फिल्म पूरे कराला मड़ा काम तो आपकी जो वो है फिल्म है गाड़ी के ऊपर है तो एक जल्दी से एक ट्रांसलेशन वाला गेम खेलते हैं उसका आप दो क्योंकि फिल्म में भी हो तो आपको जो जवाब सबसे पहले देखो पीप पीप करना है क्या करना है पीप पीप बिल्कुल हिंदी में बोलूंगा और आपको उसको पंजाबी में मुहावरे हैं अगर आप उसको आपको हिंदी में पंजाबी में ट्रांसलेट करना है मैं इधर चार आंसर दूंगा ज्यादा तो कोई प्राइस है थोड़ा बेटा जीतूंगा आज इकट्ठी बोलेंगे चार आओ कोई बोलेगा अच्छा ऑडियंस का प्यार ही प्राइस है आपके लिए बस अरे क्या बात है उनके लिए तो बिल्कुल 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 अपने मुंह में मिट्ठू बनना मतलब अपनी प्रशंसा खुद ही करना मतलब पंजाबी नहीं तो पंजाबी आपकी टीम की है वो चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपना उल्लू सीधा करना अपना स्वार्थ रखना पीपी तो करो अभी अपना मतलब करना अपना मतलब बिल्कुल सही अंधा बनना अन्ना आया पीपी पीप और देहदानी अन्ना आया अपना सा मुंह लेकर रह जाना हां अपना सा मुंह लेकर रह जाना घबरा जाना कब्र अंग अंग ढीला होना थकावट नेक्स्ट अकल घास चढ़ने जाना दिमाग दिमाग गिट्टिया बिल्कुल सही अपना सिर ओखली में देना पंगे लेना हाँ पीप पीप तो कर दो आप लोग अपनी राम कहानी सुनाना अपनी राम कहानी सुनाना चले एक लास्ट सेगमेंट है आप बिजनेसमैन हो आपको अपनी पिक्चर कस्टमर को ऑडियंस को बेचना है एक एक रीजन से बताएंगे अपने कैरेक्टर के अंदाज में फिल्म देखने जाओगे अगले दिन मैं थोड़ा सिम देना होगी बड़ी कैंट फिल्म देखना पूरा एंटरटेन करूंगी और स्वाद होगा फिल्म देख
मेरी पहली मूवी है जी, प्लीज देख के आओ। तरला ही है तरला। तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। 28 तारीख को मुझे बताने की जरूरत ना पड़े कि आपको क्या करना है ना। कब आ रही है मूवी? गड्डी जल्दी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।